आगरा कॉलेज में कोने कोने से, शहर के कोने कोने से लोग आके एकत्रित होंगे और वहां से एक विशेष स्वच्छता अभियान रैली निकाली जाएगी जो नगर निगम में आकर के समाप्त होगी। उस रैली में ही हमारे जितने भी सफाई के उपकरण, चाहे वो फॉगिंग मशीन हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, चाहे वो स्वीपिंग मशीन हो, चाहे वो जो डबल बिन जो चल रहे हैं कूड़ा उठाने वाले डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियां हो, चाहे कंपैक्टर हो, चाहे डंपर प्लेशर हो, जो भी हमारे पास संसाधन है उसका एक एक हर प्रकार का एक हर प्रकार के संसाधन का केवल एक गाड़ी जिसपे ये लिखा रहेगा ये गाड़ी किस काम में प्रयोग आती है, वो लिखा रहेगा और वो रैली का पार्ट होगा। उसको हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये संसाधन है जिससे हम सफाई का काम करते हैं। मैनुअल लेबर के अलावा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, मैकेनाइज्ड जो सफाई के कार्य हैं, नाली सफाई के कार्य हैं, डोर टू डोर के काम है या रोड स्वीपिंग के काम है, उन सारी चीजों को और उसका भी हम एक डिस्प्ले करेंगे रैली के साथ साथ, ताकि आप जनता को ये समझ आए कि ये गाड़ी इस काम के लिए प्रयोग होती है। नागरिक शहर के सभी जनप्रतिनिधिगण, स्कूली बच्चे, एनजीओ, वेलफेयर एसोसिएशन, व्यापार मंडल, रोटरी क्लब, आगरा शहर के 20 लाख लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से हमने एक स्वच्छता रैली निकालने का निर्णय किया है और यह स्वच्छता रैली 12 नवंबर को आगरा कॉलेज ग्राउंड से प्रारंभ होकर नगर निगम पर समाप्त होगी। इस रैली में हमने शहर के सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, महिला संगठनों के पदाधिकारी, स्कूलों के बच्चे, हमारे सभी 100 वार्डों में जो हमने स्वच्छता कमेटी बनाई है, पार्षदों के नेतृत्व में सभी लोग आएंगे और लगभग 10,000 से भी अधिक लोग इस स्वच्छता रैली में शामिल हो सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और इस स्वच्छता रैली में विशेष तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय नगर विकास मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी भी आ रहे हैं और इस रैली में